हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बलोतरा। एट्थ स्टैंडर्ड के लिए हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे, फॉर विच, फॉर दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। सो अर्लियर सेशन वी हैव डन क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड। आई होप यू ऑल हैव डन दिस बोथ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 ऑफ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज इस 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन y+1 एंड y-4। हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है y+1 एंड y-4, इसमें हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई और सॉल्व। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट में और सेकेंड में हमने क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन। इन दिस ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दी एक्सप्रेशन। देखिए y+1 into y-4, so we have to open the bracket। जो ये y है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 है तो ये भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनिशियली वी आर टेकिंग y, y इज इक्वल टू y into y-4, देन वी हैव प्लस 2y-4। यही किया हमने, y-4 y और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, देन वी हैव y इंटू 4y इज -4y, देन वी हैव 2y, देन वी हैव -8, बिकॉज 2 इंटू -4 प्लस माइनस इज -8। सो सी हियर y स्क्वायर -4y प्लस 2y विच इज -2y, देन वी हैव -8। सो ये हमारा है इसका फाइनल सॉल्यूशन। जो y+1 एंड y-4 था उस ब्रैकेट को ओपन करके जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो है y स्क्वायर -2y-8। कैसे निकला रिपीट करते हैं वापस एक बार। y है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा y इंटू y-4, देन 2 है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू y-4, देन वी हैव y इंटू y इज y स्क्वायर, y इंटू 4-4 इज -4y, देन पॉजिटिव ऑफ 2 इंटू y 2y, 2 into -4 is -8, then -4 plus 2y is -2y, y square as it is, -8 as it is। So ये हो गया हमारा इसका solution। Then second section also we have similar type of section which is of first section। इसका ये similar है, इसमें जो values है वो ही differ कर रही है, y की जगह x है and we have 2 and 4 in place of -7 and x। So similarly here we have to multiply it बोथ दी ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनिशियली वी विल x-6 देन -7 x-6, एक्स और 7 इसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए x इंटू x आया हमारा x स्क्वायर, देन वी हैव -6x, देन वी हैव -7, देन वी हैव +42। एक्स स्क्वायर -6x -7x +42, +42 क्यों आया? माइनस एंड माइनस विल बी पॉजिटिव एंड माइनस प्लस इज माइनस। सो इधर देखिए माइनस एंड माइनस क्या होता है? प्लस होता है, एडिशन होता है। सो यू हैव टू एड बोथ दी टर्म्स। सो एक्स स्क्वायर -7 +6 इज -13x +42। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। सो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा, सेकंड सेक्शन देखा। फर्स्ट सेक्शन का इसमें ही हमने मल्टीप्लीकेशन करके ये निकाला, फिर सेकंड में मल्टीप्लाई करके ये निकाला, फिर हम थर्ड देखेंगे जिसमें हमें स्क्वायर की टर्म्स है। क्या है? एक्स स्क्वायर 5 एंड एक्स स्क्वायर +10, एक्स स्क्वायर +5 एंड एक्स स्क्वायर +10 है हमारा थर्ड सेक्शन। उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। उसी में ही हमारे इधर एक्स की टर्म्स थी और उसमें हमारे आ जाएगी स्क्वायर की टर्म्स। देखिए +5 और सेकेंड है वी हैव एक्स स्क्वायर +10, ये है हमारे पास थर्ड सेक्शन। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर विल गॉट मल्टीप्लीकेशन टू होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर +10, देन पॉजिटिव टर्म्स विल बी हियर +5, देन वी हैव एक्स स्क्वायर +10। देखिए फर्स्ट सेक्शन जो हमने किया, सेकंड किया, सिमिलरली यही है, सिर्फ क्या है वैल्यूज चेंज है हमारे पास, बाकी मेथड हमारा सेम लग रहा है इसमें। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एड, देन वी हैव 10x square, then we have plus 5x square, finally we have 15।
तो ये हमारा आ गया। फिर देखिए इसमें जो ऐड हो रहा है उनको ऐड करेंगे हम, एक्स फोर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 50 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 10 प्लस 5 इज 15, x स्क्वायर इज रिमेनिंग, सो x स्क्वायर प्लस 50, ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। सो मेथड सब सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। सो हमारे नेक्स्ट जो इसके सेक्शन है, यू हैव टू डू इट विद सेल्फ प्रैक्टिस, ये सेल्फ प्रैक्टिस से आप करेंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी अबाउट दी फोर्थ क्वेश्चन, इन विच वी हैव टू फाइंड दी फाइनल रिजल्ट बाय सॉल्विंग दी एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सॉल्व करके हमें फाइनल रिजल्ट निकालने हैं। देखिए इन दिस ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दी ऑल दी फैक्टर्स, इसमें देखिए टर्म्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 1, फैक्टर्स वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ एंड इन वेरिएबल वी हैव ए एक्स वाई एंड जेड, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर दी 3, एक्स वाई एंड जेड, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट सेपरेटली। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर वाई इंटू, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट की टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कांस्टेंट क्या क्या, इधर 3 है, माइनस 5 है, देन वी हैव 3, सो 3 इंटू माइनस 5 ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस, माइनस सबसे पहले तो यहाँ माइनस साइन आएगा, देन 3 इंटू 5 विच इज 15, 15 इंटू 3 वी हैव 45, माइनस 45 कॉन्स्टेंट टर्म कर ली। अब फिर हम देखेंगे जो सिमिलर वेरिएबल है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए 3 इंटू ए, अब ये क्या है, बेसिस इनके सबके सेम है मल्टीप्लीकेशन में, सो इफ बेसिस आर दी सेम देन पावर विल गेट एड, अब सबकी पावर एड हो जाएगी। अब इनकी 1-1 है तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 ये सब ऐड हो जाएगी, सो फाइनली वी हैव a इज इक्वल टू 7, देखिए 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 इज 7, सो a की पावर 7। सिमिलरली हियर अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू ऐड दी पावर्स, किनकी पावर्स ऐड करेंगे, जिनके बेसिस सेम है, देखिए इधर एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास एक्स वन, देन वी हैव एक्स वन, ये एक्स एक्स बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड कर लेंगे, स्क्वायर 2 प्लस 1 एंड प्लस 1, सो एक्स 4, क्या है हमारे पास एक्स 4, देन वाई, वाई वेरिएबल लेते हैं तो देखिए y1 एंड y2, सो वी हैव y4, यही आ गया हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2, देन वी हैव z, अब z देखिए यहाँ ये स्क्वायर एंड ये 1, 2 प्लस 1 इज 3 z क्यूब, सो फाइनली वी हैव माइनस 45 एक्स 4 वाई 4 जेड क्यूब। एक्स देखिए x x जहाँ पे भी है जिसकी जो भी पावर है वो ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वन एंड एक्स वन, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 4, देन वी हैव y, y 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, देन वी हैव z, z स्क्वायर इंटू z, तो ये हो गया क्यूब, ये इसका हो गया फाइनल रिजल्ट। देन वी हैव सेकेंड सेक्शन, माइनस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 3 ए बी सी, इन मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या है 3 ए बी सी, देखिए अब जो भी बेसिस सेम है उनकी पावर्स हम ऐड करेंगे, पहले सबसे पहले तो कांस्टेंट वाली जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंड इंटू 3, तो माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15, देन वी हैव ए स्क्वायर इंटू ए 1, पावर्स विल गेट इफ बेसिस आर सेम, देन वी हैव ए क्यूब 2 प्लस 1 बी क्यूब, देन वी हैव सी, सो आवर फाइनल रिजल्ट विल बी माइनस 15 ए क्यूब बी क्यूब इंटू सी, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 3PQR देन इंटू माइनस 4QP2R³ इंटू माइनस 7PQ5 इंटू आर, आपकी एक्सरसाइज में जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आई एम सॉल्विंग दिस एंड द क्वेश्चन विच आई एम स्किपिंग यू हैव टू सॉल्व इट विथ सेल्फ, वो आपको सेल्फ करने हैं, और कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपका वो डाउट अगले सेशन में क्लियर हो सके।
सो हमारा 3PQR है. सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दी कांस्टेंट. जो भी हमारे कांस्टेंट है उन्हें हमें मल्टीप्लाई करेंगे. पहले तो साइन को हम रिजॉल्व करेंगे. साइन देखिए, यहाँ पॉजिटिव माइनस एंड हियर वी हैव ऑल्सो माइनस. सो दीज बोथ माइनस विल गॉट कैंसल टू ईच अदर, वी विल गॉट पॉजिटिव. सो प्लस 3 × 4 × 7, वॉट इज दैट, 7 × 4 = 28. देन वी हैव 28 × 3. देन सी ऑल दी वेरिएबल्स, सिमिलर वेरिएबल्स पावर विल गेट एड इफ द बेसिस आर दी सेम. देखिए p की पावर 1, q की पावर 1, r की पावर 1. p 1 है, हियर वी हैव p स्क्वायर, सो p 1 प्लस 2 इज 3. देन वी हैव 3 प्लस 1, सो फाइनली वी हैव p 4. p 4 आया हमारे पास. देन वी हैव q, अब p कहीं और रिमेन नहीं है हमारा, सो q इज 1. देन हियर ऑल्सो वी हैव q 1, q 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7. सो q 7, q की पावर क्या है 7, बिकॉज 5 प्लस 1 प्लस 1. देन वी हैव r, r की पावर्स देखिए 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5. सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 28 × 3, p 4, q 7 एंड r 5. सो मेथड आर ऑल्सो ए सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन. तो ये सब इसके मेथड बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. बस हमें जो वेरिएबल फाइंड करना है कांस्टेंट, उनके मल्टीप्लाई कर देना है और जो पावर्स है वो ऐड कर देनी है. वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ 9.2 एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उनको हमें वेरीफाई करना है. क्वेश्चन इज द वेरीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. देखिए ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. ये है हमारी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल करना है. सो बाय सॉल्विंग दिस लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू इक्वेट इट विद राइट हैंड साइड. देखिए इसमें ब्रैकेट्स में मल्टीप्लीकेशन है. इनिशियली वी हैव टू, फर्स्ट स्टेप इज अवर ओपन दी ब्रैकेट. सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. देखिए ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ए और बी विल गेट मल्टीप्लाई टू होल ब्रैकेट. देखिए इनिशियली ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. देन वी हैव पॉजिटिव बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. सबसे पहले तो ए को हमने होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बी को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए फर्दर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, बेसिस आर सेम, 2 प्लस 1 इज 3, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर. फिर हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए स्क्वायर. देन वी हैव पॉजिटिव ऑफ बी क्यूब, बेसिस सेम है, इनके बेसिस सेम नहीं तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गए, माइनस ए बी स्क्वायर. देखिए माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट. अब इसमें जो सिमिलर टर्म्स है उसको ऐड कर लीजिए या सब्सट्रैक्ट कर लीजिए. देखिए ए क्यूब, सबसे पहले तो एज इट इज आएगा ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी. अब पूरे एक्सप्रेशन में देखिए ए स्क्वायर बी कहीं है क्या, ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है. फिर देखिए ए स्क्वायर बी कहीं है क्या, कहीं पे भी नहीं है, ये दो जगह ही आ रहा है. वी हैव टू टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर बी, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज दी नेगेटिव, सो इट बोथ गेट कैंसल बाय ईच अदर विच रिमेन इज दी जीरो. देन वी हैव नेक्स्ट टर्म इज ए बी स्क्वायर. चेक दी होल एक्सप्रेशन अवेलेबिलिटी ऑफ दी ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ हम चेक करेंगे. ये देखिए पॉजिटिव का ए बी स्क्वायर है, देन यू हैव टू चेक दी ए बी स्क्वायर इन होल एक्सप्रेशन बी स्क्वायर एंड हियर सी दैट माइनस ए बी स्क्वायर एंड पॉजिटिव ए बी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ गेट कैंसल. सो ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी गॉट कैंसल, ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर गॉट कैंसल. सो रिमेनिंग टर्म्स राइट सेपरेटली ए क्यूब एंड बी क्यूब. ए क्यूब इज पॉजिटिव, बी क्यूब इज पॉजिटिव, सो ए क्यूब एंड बी क्यूब आर दी रिमेनिंग टर्म्स ऑफ दी एक्सप्रेशन. सी इन दी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए हमारा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सो हियर
सी अबाउट दी बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ए से मल्टीप्लाई किया इसे, ए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन वी हैव टू डिवाइड मल्टीप्लाई बी बाय होल एक्सप्रेशन प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सी हियर ए इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, देन वी हैव पॉजिटिव ऑफ ए बी स्क्वायर, देन वी हैव प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड हियर वी हैव माइनस ए बी। सो सॉल्विंग इट बाय सिंपल मेथड वी गॉट वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड इन राइट हैंड साइड वी हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनली वी हैव पुट दी हैंड्स प्रूफ, राइट दी हैंड्स प्रूफ। तो यही था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हमें वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो इसी से हम जो हमारे अर्लियर क्वेश्चन थे उसमें भी हमने क्या किया था, ब्रैकेट से ओपन करके मल्टीप्लाई किया था, फिर फाइनल जो रिजल्ट आया था वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन, हमारी ये एक्सरसाइज हो गई विच इज 9.2। इन अर्लियर सेशन वी हैव स्टडी अबाउट दी 9.1, देन वी टूडे क्लियर 9.2। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि हमने यहाँ आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट करना था। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 9.3। ये आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, कुछ भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उस क्वेश्चन और डाउट को क्लियरली बताइएगा ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो सके। सो थैंक यू क्लास।